सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। शायद एक वीडियो मैंने पहले बनाया है कुंडलनी और थॉट प्रोसेस पर, मुझे ध्यान नहीं बनाया कि नहीं, देख लीजिएगा। वीडियो की संख्या बहुत ज़्यादा है, मैं इतना कभी खोजता भी नहीं, मैं जो बनाता हूँ, जो मेरे विचार आता है मैं फिर से बोल दे रहा हूँ। उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही हो जाता है जो पिछले वाले से था, क्योंकि उसमें जब बनाया होगा वो 3 साल पहले बनाया होगा, उसमें कुछ और एडिशन हो जाएगी, वैल्यू एडिशन जो 3 साल में मेरे में हुई है वो उस वीडियो में भी हो जाएगा। देखिए, थॉट प्रोसेस और कुंडलनी के बारे में, इमोशन थॉट्स, इन सब के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि ये अच्छी बात है और इसे समझना चाहिए। देखिए, जितने भी लोग कुंडलनी जागरण कर रहे हैं या उनमें स्वतः जागृत हो रही है, कोशिश तो ना करें, मेरी बेहतर राय यही है, स्वतः प्रहोती हुई प्रक्रिया का आनंद ले सकते हैं। वो कोई वैसे बहुत ज़्यादा आनंददायक प्रक्रिया नहीं है, आप मेरे वीडियोज़ में देख ही चुके हैं, ठीक है। अब क्या है कि देयर इज़ अ फ्लक्चुएशन ऑफ इमोशन। यहाँ पर क्या है कि जब कुंडलनी की अवेकनिंग है या जब आपकी सेल्फ अवेकनिंग है, तो ऐसा नहीं है कि एक ही दिन की मैं बात कर रहा हूँ और मैं आपसे एक दिन से छोटा कर देता हूँ, एक घंटे की मैं बात कर लेता हूँ। आप देखेंगे एक घंटे में आपका मूड 500 बार बदल जाता है। योर मूड इज़ गोइंग टू चेंज 50 times in an hour, ओके, 50 times in an hour। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि एक एक मिनट में ही मूड चेंज होता रहता है। इमोशंस और थॉट्स इतने जल्दी जल्दी आते बदलते रहते हैं कि आप उन समझ ही नहीं पाएंगे। जो थॉट का फ्लो है ना, वो ऐसा होता है कि थोड़ी देर में आप प्रसन्न हो रहे हैं, थोड़ी देर में आप अजीब से दुखी हो रहे हैं, थोड़ी देर में आप खुश हो रहे हैं। विद इन ए स्पैन ऑफ 1 hour, विद इन ए स्पैन ऑफ 2 hours, 3 hours, यू विल फाइंड यू आर कम्प्लीटली एंड टोटली डिफरेंट। अभी एक घंटे पहले आप बिल्कुल स्वस्थ बैठे हुए थे, अभी 15 मिनट बाद आप पता नहीं क्या हो जाएंगे। देयर इज़ नो गारंटी। ये इतनी तेज प्रोसेस है, इतनी तेज न्यूरॉन्स में, इतनी तेज चेंजेस सब चीज़ों में होते हैं इसमें। The process is very fast. So the thought process, the emotions which are flowing through you, the thoughts, everything, you know, there is a very fast and rigorous change. Depending on where actually the energy is flowing. Urja kahan pe beh rahi hai. From where actually the energy is flowing, through which channels it is actually moving. Okay, ye is baat pe bhi depend karta hai. कहाँ से कहाँ ऊर्जा पास हो रही है, किस चैनल से किस चैनल पे जा रही है, किस चक्र से किस चक्र पे ट्रांसफ़र हो रही है। अगर मूलाधार से स्वाधिष्ठान पे जा रही है तो अलग किस्म की अनुभूतियाँ होंगी, नेचुरली वो नीचे हैं तो पृथ्वी से जुड़ी हुई, अलग अलग किस्म की अनुभूतियाँ आप करेंगे। विचित्र विचित्र अनुभूतियाँ हो सकती हैं आपको, मैं कहता हूँ विभिन्न विभिन्न रंग दिखाई दे सकते, कुछ भी दिखाई दे सकता है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, सब कुछ पास हो जाएगा, लेकिन ये एक बहुत तेज़ी से चलने वाला सीक्वेंस है, तो इसमें आप कभी कभी ज़्यादा घबरा जाते हैं। एक ही दिन में आप डिप्रेशन, एंजाइटी, एक ही दिन में आप खुश भी हैं, दुखी भी हो रहे हैं, एक ऐसा हो सकता है कि फेज़ वाइज चल रही हो। मैंने कहा एक घंटे में बदल सकता है, एक दिन में भी बदल सकता है, 2-3 महीने एक जैसा भी रह सकता है, फिर उसके बाद चेंज हो जाएगा। तो एक ही पर, मतलब इट डिपेंड्स कि कभी कुछ भी हो सकता है इसमें। सो देयर इज़ नो यू नो स्पेसिफिक रूल कि ये वाले थॉट्स आएंगे, ये ऐसा होगा, ये इमोशंस फ्लो करेंगे आपके, तो ये ऐसा होगा, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, प्लेजर की फीलिंग हो रही है, सर में डोपामीन निकल रहा है, पता नहीं कुंडली कौन सा केमिकल कब रिलीज कर दे, आप कुछ नहीं जानते। तो इस चीज़ से आपको क्या करना है, जैसे फेजेज में चलता है हर चीज़ ना, तो इस चीज़ में आपको थोड़ा सा माइंड को कंट्रोल करने की खुद भी आवश्यकता है, कि थोड़ा आप अपने ऊपर थोड़ा माइंड पे जोर डालें कि इस तरीके के थॉट्स की तरफ ना बहें, या कुछ चीज़ों से आप बच सकते हो तो उनको बचा लीजिए, जिससे हो सकता है आपको परेशानी ज़्यादा हो, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली अ सॉर्ट ऑफ ट्रॉमा, थोड़ा सा परेशानी तो है ही, इसमें पैनिक होता है, कुछ अटैक्स आ सकते हैं, कोई भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है ना, सो देयर इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स, तो उसी सब चीज़ों को आप देखिए, ठीक है। तो एक चीज़ मैं बस यही कहूँगा आखिरी में आपसे, कि जी पूरे थॉट प्रोसेस की धीरे धीरे करके आप एनालिसिस कर लो, आप देखो कि उसमें एक रिपीटिटिवनेस है, ठीक है, हर चीज़ रिपीट हो रही है एक फेज में, जो पहले हुआ था अब थोड़े समय बाद फिर, थोड़े समय बाद फिर थोड़े समय बाद फिर ऐसे होगा, तो रिपीटिशन है उसमें, तो उस चीज़ को भी आप साथ में लेके चलिए, ठीक है। कोई उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर से थोड़ा कंसल्ट कर लो, हल्का फुल्का दिमाग को शांत रखने की दवाई दे सकते हैं, ले लीजिए। ज़्यादा परेशानी है इमोशंस में, ज़्यादा दिक्कतें आ रही थॉट्स में, या फियर से, स्ट्रेस से ही परेशान हो रहे, पता लगा इतना अधिक फियर आ रहा है, इतना फियर आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि फियर ही आपको डोमिनेट कर रहा है, पता लगा ये काम ही आपको डोमिनेट किया जा रहा है, सेक्स के थॉट्स आ रहे हैं, अब ऐसा भी हो सकता है, कई दिन आप देखोगे 4-5 दिन सेक्स के ही थॉट्स आ रहे हैं, आप अपने थॉट्स की एनालिसिस करते रहो, कुछ दिन आप देखोगे फियर ही भरा हुआ है, फियर हर चीज़ से फियर ही हो रहा है। सो इट डिपेंड्स, ये मूवमेंट इसमें होती रहती है, ठीक है। सो देयर इज़ नथिंग न्यू, ये हो रहा है तो होने दीजिए इसको, ठीक है। चलिए, तो इस चीज़ को आप थोड़ा समझिएगा, आराम से करिएगा, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा इसके मतलब अनलेस एंड यू डोंट हैव समबडी यू नो
कोई बताने वाला बिल्कुल परफेक्ट आदमी ना हो, तब तक किसी से मतलब ऐसे ज़बरदस्ती कोई चीज़ मत करिएगा, खुद से कोई एक्सपेरिमेंट मत कर लीजिएगा कुंडलनी के ऊपर। चलिए ठीक है, धन्यवाद। हम्म।